नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में क्या नज़ारे हैं। दोस्तों, वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख रहे हैं, इस समय मैं कॉरिडोर के अंदर का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ आप मंदिर परिसर में आप देख रहे हैं कॉरिडोर में जगह जगह श्रद्धालु अपने कपड़े सुखा रहे हैं और किसी धोबी घाट से कम नहीं है कॉरिडोर का परिसर। चलिए और दिखाते हैं दृश्य आपको। ये देख रहे हैं आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के पास में ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। चलिए कॉरिडोर परिसर में दिखाते हैं कि किस प्रकार पूरे सावन में श्रद्धालुओं का कॉरिडोर में आना लगा रहा और अभी भी एक चौथा सोमवार सावन का बचा हुआ है और कॉरिडोर में किस प्रकार चारों तरफ आपको गंदगी दिखेगी। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि कॉरिडोर का क्या हाल है। सामने आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार मंदिर परिसर के अंदर ये देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आप देखेंगे सिर्फ आपको पान की पिक नज़र आएगी। इधर ये तरतीब पूरा रेलिंग बिखरा हुआ, इधर वाश बेसिन देख रहे हैं, बिल्कुल गंदा वाश बेसिन परिसर के अंदर। और ये आप देख रहे हैं सामने में गेट नंबर 1 परिसर में जगह जगह इतनी गंदगी हो गई है कि इस पर मंदिर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। सफाई बिल्कुल भी नहीं है कॉरिडोर में। चलिए और जगह जगह मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार गंदगी का आलम है चारों तरफ। टेंट वगैरह देख रहे हैं कि किस प्रकार टेढ़ा हो गया है, कोई सीधा करने वाला नहीं। रेलिंग आड़ा तिरछा लग गया है, कोई सीधा करने वाला नहीं। इस वीडियो में मैं आपको कॉरिडोर में फैली अव्यवस्था को दिखाने का प्रयास करता हूं। देख रहे हैं चारों तरफ सिर्फ आपको कचरा ही मिलेगा। देख रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए दरी बिछाया हुआ है और दरी का हाल आप देख लीजिए किस प्रकार अव्यवस्था में है। ये आपका भारत माता की प्रतिमा, ये प्रतिमा देख रहे हैं श्री आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा। और इस प्रतिमा में भी आप देख लीजिए कोई सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। चलिए और आगे दिखाते हैं आपको गंगा व्यू गैलरी, सामने आप देख पा रहे हैं। और चलिए इसके अंदर से आपको दिखाते हैं गंगा व्यू गैलरीज में कि किस प्रकार यहाँ पर हालात है। देख रहे हैं सुरक्षा कर्मी बैठे हुए और सामने आप देख रहे हैं गंगा दर्शनम, वहाँ भी चल के दिखाएंगे आपको कि वहाँ भी क्या ललिता घाट के छत पर क्या नज़ारा है। जैसे ही आप घुसेंगे गंगा व्यू गैलरी में सामने आपको ये 4 कुत्ते आपको दिख जाएंगे सोते हुए। यही हाल है गंगा व्यू गैलरी का।
यानी कि यहाँ पर अव्यवस्था बिल्कुल आपको अपने चरम पर दिखाई देगी। यहाँ पर आवारा कुत्तों को रोकथाम के लिए परिसर में कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। और चलिए बाहर आपको दिखाते हैं गैलरी के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गैलरी बिल्कुल अभी सामने में गंगा द्वार के कोई भी श्रद्धालु आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस तरफ से आने जाने का रास्ता बंद होने के कारण कोई भी श्रद्धालु यहां से नहीं आ पा रहा है दर्शन करने। पूरा खाली देख रहे हैं, अभी जल स्तर थोड़ा सा कम हुआ है, करीब 2-2.5 फीट गंगा का जल स्तर यहाँ कम हुआ है वाराणसी में। और ये आप देख रहे हैं ललिता घाट के ऊपर स्थित महल का दृश्य। अभी काफ़ी श्रद्धालु वहाँ से नीचे की तरफ का नज़ारा ले रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं उसी तरफ और दिखाते हैं नीचे का व्यू। ये दृश्य आप देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट का। यहाँ भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि कितना जल स्तर कम हुआ है, कि शव दाह करने वाला प्लेटफॉर्म आपको दिखाई देने लग गया है। अभी 2 दिन पहले ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, अभी स्पष्ट आपको दिखाई देगा। चलिए आगे चल के और दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए गंगा व्यू गैलरी में इनका भी अभी रात चल रहा है, क्योंकि अभी श्रद्धालु आ नहीं रहे हैं, ये खाली पड़ा हुआ है, आना जाना लोगों का बंद है, तो यही आराम फरमा रहे हैं। ये देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट सामने, ये देख रहे हैं यहाँ भी पान की पिक। दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जुर्माने का प्रावधान नहीं है। अगर कोई धूमपान करता हुआ या थूकते हुए अगर वो पकड़ा जाता है तो 500 रुपये का जुर्माना भी है, लेकिन अभी रवैया ढीला ढाला है प्रशासन का भी, इसलिए यहाँ पर सफाई व्यवस्था थोड़ी सी ख़राब दिखती है। और श्रद्धालु भी पान गुटखा खा के अंदर चले आते हैं, उनको खुद को रोकना चाहिए अपने आप को। देख रहे हैं गंगा दर्शनम में भी गैलरी में आपको सभी श्रद्धालु मिल जाएंगे, और उनके साथ ही ये आपको कुत्ता भी दिखाई देगा यहाँ पे। और ये हम आ गए हैं ललिता घाट के छत के ऊपर, यहाँ से मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ से गंगा व्यू देख रहे हैं। ये ललिता घाट के ऊपर से नीचे का दृश्य, ये चौकोर छतरी के नीचे से। और ये सामने नीचे आप देख रहे हैं सीढ़ियों का स्टेप, अभी काफ़ी जल स्तर कम हो गया है, पहले ये बिल्कुल सीढ़ियों का स्टेप दिखाई नहीं दे रहा था। ये स्टेप देख रहे हैं अभी किस प्रकार नीचे स्तर चला गया है जल का। फिर भी अभी काफ़ी गंगा जी बढ़ी हुई हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। Yeah, I think that.
एक गैलरी से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। सामने ललिता घाट के महल के छत के ऊपर से गैलरी स्थित है। ये जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये गैलरी से आपको नीचे का छत का व्यू मैं दिखा रहा हूँ। चौकोर छतरी आप देख रहे हैं ललिता घाट के ऊपर। दोस्तों, वीडियो में गंदगी दिखाने का मतलब ये है कि प्रशासन को जल्द जल्द इस पर ध्यान देना चाहिए, सफाई व्यवस्था पर, और कड़ाई से लागू करना चाहिए पान गुटखा खाकर जो परिसर में आए उस पर जो है जुर्माना लगाने का, क्योंकि कड़ाई से अगर पालन होगा तभी इस पर रोक लगेगी। और सीसीटीवी कैमरे का यूज़ होना चाहिए। इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने पर ही इस व्यवस्था में सुधार होगा। बाकी कॉरिडोर परिसर काफ़ी खूबसूरत है। ये देख रहे हैं, ये ऊपर गैलरी से व्यू आप सामने का देख पा रहे हैं गंगा द्वार का। और इधर आप देख रहे हैं कार्तिकेय वाटिका। सामने मंदिर। और इधर आप देख पा रहे हैं व्यास भवन। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको आगे। अभी देख रहे हैं परिसर में काफ़ी मटेरियल रखा हुआ है, सब हटाने की भी ज़रूरत है, और ये सावन के बाद शायद हट जाएगा। नीचे भी आप देख रहे हैं मलबा सब एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। ये पूरा मलबा एक तरह इकट्ठा किया हुआ है। ये आप कार्तिकेय वाटिका के सामने का दृश्य देख रहे हैं। ये सामने आप देख रहे हैं जो गली दिखाई दे रहा है वो चले जाएगा आपका नेपाली टेंपल में। और ये देखिए फिर से इस टाइप का दृश्य जो है आपको कॉरिडोर फेस टू में आपको आम दिख जाएगा, कुत्ते टहलते हुए। चलिए हम भी नीचे चलते हैं। सीढ़ियों के द्वारा नीचे चला जाए। देख रहे हैं चाय भी यहाँ पर बिक रहा है। ये परिसर के अंदर ये चाय बेचेंगे, और जिस टाइप से चाय पी के लोग कप को इधर उधर फेंक देंगे ये भी एक गंदगी करने का जरिया है। श्रद्धालु सब आराम करते हुए गंगा व्यू गैलरी में ये देख रहे हैं। इधर भी मतलब जहाँ भी आप देखेंगे, जहाँ कोने में जहाँ पर लोगों की पहुँच नहीं है देखने की, परिसर में सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, उससे छुप के लोग वहाँ पर थूक देते हैं। अब देखिए ये पानी पीने का जगह है, और यहाँ भी आप सक सकते हैं गंदगी।
इधर भी आप देख सकते हैं ये पानी पीने का स्टॉल लगा हुआ है, और इधर भी आप देख सकते हैं। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। इधर भी आप देखते हैं यात्री गैलरी में। ये देख पा रहे हैं जहाँ पर यात्रियों के ठहरने का इंतज़ाम किया हुआ है। रास्ते में सीढ़ियों पर भी आपको पान का पिक मिल जाएगा, यानी कि इस परिसर में आपको सबसे बड़ी समस्या एक तो दिखाई देगी कुत्तों की, और दूसरा जो है पान के पिक की। ये दो मुख्य समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। ये भी आप देख पा रहे हैं इस गली में जहाँ पर लॉकर है वहाँ पर इस कुत्ते को, और यहीं पर बगल में आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार पान का थूक। इधर भी आप देख पा रहे हैं गंदगी। देख पा रहे हैं परिसर में अंदर में ये भी हैं बंदर। ये देखिए जाने का रास्ता है, और यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे हैं दोनों तरफ, और ये कॉरिडोर में आने आने का रास्ता, और यहीं पर श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो पान गुटखा खाकर दर्शन करने आते हैं। कुछ श्रद्धालुओं को अपने पर कंट्रोल करना चाहिए, और धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार पान गुटखा खाकर दर्शन करने ना आए, जिससे परिसर तो गंदा होता ही होता है और माहौल भी ख़राब होता है, लोगों की सोच बदलती है। और जैसा भी आप देख रहे हैं राज्य का नाम भी ख़राब होता है। देख रहे हैं इधर भी है, और यहाँ से आप देखते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का स्वर्ण शिखर। इधर दो मंदिर देख रहे हैं आप परिसर के अंदर ही, और इस तरफ आप जाएंगे ये तो ये गेट है बाहर निकलने के लिए, और यहाँ भी देख लीजिए किस प्रकार गंदगी है। चलिए हम बाहर की तरफ निकल के आ गए हैं गेट के, और अब गली से होते हुए बाहर निकलते हैं। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार गंदगी मचा कर लोग रखे हुए हैं, और ये आ गए हैं माता अन्नपूर्णा भवन के पास, और यहाँ आप देख सकते हैं श्रद्धालु अपना सामान, और ये आपका गेट। तो जैसा आपने देखा इस वीडियो में कि किस प्रकार दो तीन समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है परिसर के अंदर। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।